यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नाले पर फैली गंदगी को देख करके स्वच्छ भारत मिशन के वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र तिलमिला उठे। सुभाष चंद्र ने नगर पालिका प्रशासन को 4 दिन का अल्टीमेटम दिया है और कहा कि 4 दिन के अंदर गंदे नाले और उसके आसपास फैले कचरे की सफाई अगर नहीं की गई तो सख्त कार्रवाई करने से वो पीछे नहीं हटेंगे। आपको बता दें कि सुभाष चंद्र स्वच्छता अभियान के तहत निरीक्षण करने के लिए आए थे और फैली गंदगी को देख करके वो आक्रोशित हो गए। और यही नहीं, सुभाष चंद्र करीब 1 घंटे तक नाले के आसपास के इलाके का जायजा लेते रहे। इस दौरान उन्होंने आसपास की कॉलोनियों में हो रहे लोगों से बातचीत भी की। लोगों ने कार्यकारी अध्यक्ष को बताया कि वो कई बार गंदगी की शिकायत अधिकारियों से कर चुके हैं लेकिन कोई भी इस पर एक्शन लेने को तैयार नहीं है। निरीक्षण से पूर्व मैंने यहाँ के जो सेक्रेटरी है नगर पालिका उनसे बात की, उनको कहा तो उन्होंने कहा कि ये जो नाला है ये इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास है। तो इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो SC है उनसे मेरी बात हुई और उनको मैंने कहा कि भी इस प्रकार का आपका नाला है उसको आप बारिश से पहले साफ कराएं। तो उन्होंने तुरंत इस पे संज्ञान लिया और अपना कार्रवाई उन्होंने शुरू कराई है। 2-3 दिन पहले ही बात हुई थी तो आज मैं निरीक्षण करने आया और मैंने आने से पहले उनसे बात भी की। स्वच्छता में घरोंडा ने एक मुकाम भी हासिल किया है, उस मुकाम को हासिल रखना ये घरोंडा की जनता के साथ साथ यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों का भी कर्तव्य है कि वो अपने मुकाम को बनाए।